Assalamu class 10 today we have to read a new lesson and that is dusk and it has been written by Saki whose actual name is Hector Hugh Monroe and he was born on December 18 1870 and he died uh, on 13th November 1916 okay better known by the pen name Saki वॉज अ ब्रिटिश राइटर ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर और इनका पेन नेम साकी था असली नाम हेक्टर ह्यू मनरू था तो अब ये पेन नेम और स्यूडो नेम ये दो चीज़ें हैं पेन नेम अपना ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम छुपाने के लिए न, लिखा जाए वो ऐसे भी लिख सकते हैं वो ऐसे भी रख सकते हैं पेन नेम अपना लेकिन स्यूडो नेम जो होता है वो पर्टिकुलरली अपना नाम छुपाने के लिए ही रखते हैं जैसे कि इंग्लैंड में बहुत आ, या बहुत जगहों पे विमेन जो राइटर्स होती थी वो अपना नाम मेल नाम रखती थी और ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा पाए तो वो स्यूडो स्यूडोनीम pseud, रखते थे स्यूडोनीमस उनको बोलते थे तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेन नेम एंड द्यूडोनीम ओके ही वॉज बॉर्न इन मैंमार एंड एजुकेटेड एट बैडफोर्ड ग्रामर स्कूल इन इंग्लैंड ही इज़ कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इस ऑफन कम्पेयर टू ओ हेनरी एंड डोरथी पार्कर इन दो के साथ इनको कंपेयर किया जाता है और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनको मास्टरी थी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ के ऊपर शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी लिखते थे टेल्स फीचर डेलीकेटली ड्रॉन कैरेक्टर्स एंड फाइनली जज नरेटिव स्टोरीज़ इनकी काफ़ी अच्छी होती थी नरेटिव का मतलब स्टोरीज और जो इनके कैरेक्टर्स होते थे कहानियों के वो भी काफ़ी अच्छे होते थे ओके द ओपन विंडो मे बी हिज मोस्ट फेमस विद अ क्लोजिंग लाइन रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी इनकी जो मोस्ट फेमस बुक थी वो थी ओपन विंडो और उसकी एक लाइन इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई लाइन थी रोमांस एट शॉर्ट नोटिस इसका मतलब हो गया कि कोई क्लिक कोई झूठी स्टोरी बनाना और वो लैक्सिकन में एंटर हुई यानी लैंगवेज में यानी डे टू डे लोग उसको अपनी लैंगवेज में इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं रोमांस एट शॉर्ट नोटिस ओके इन एटीन नाइनटी थ्री ही फॉलोड इन हीज़ फादर्स फुट स्टेप्स बाई ज्वाइनिंग द इंडियन इम्पीरियल पुलिस वेर ही वॉज पोस्ट टू बर्मा तो अपने फादर के कदमों पर चले ये और इन्होंने इंडियन एम्पीरियल पुलिस को ज्वाइन किया और इनकी पोस्टिंग बर्मा में हो गई तो so, इनके फादर भी बर्मा में ही थे पोस्टड थे तब जाके ये म्यन्मार में पैदा हुए साकी वहीं पे यानी कि बर्मा में ही ये पैदा हुए मान्मार ही हैज़ रिटन हेयर माइम मार डबल एम इट्स मायनमार ओके एज वॉज एन अदर असर्बिक एंड स्यूडोनस राइटर अ जनरेशन लेटर जॉर्ज ऑरवेल वहाँ पे एक जनरेशन के बाद सेम ऐसे ही और एक राइटर आए जो काफ़ी असर्बिक और वो स्यूडोनिमस थे एसर्बिक मीन्स वो उनके जो रिमार्क्स होते थे कमेंट्स होते थे उनके कैरेक्टर्स के वो विटी होते थे विटी मीन्स क्लेवर और वो सूडोनिमस राइटर थे यानी कि उन्होंने दूसरा नाम रखा था अपना टू ईयर्स लेटर फेलिंग हेल्थ फोर्स हिज रेजिग्नेशन एंड रिटर्न टू इंग्लैंड लेकिन इनकी हेल्थ डिटेरोरेट हो गई किसी वजह से खराब हो गई एंड और इनका जो um, इनको वापस आना पड़ा इंग्लैंड ही स्टार्टिड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट फिर इन्होंने एज जर्नलिस्ट काम किया अखबारों में फॉर न्यूज़ पेपर सच एज वेस्ट मिनिस्टर डेली गैजेट ओके वेस्ट मिनिस्टर गेजेट डेली एक्सप्रेस बाई स्टैंडर्ड मॉर्निंग पोस्ट आउटलुक ये सारे न्यूज़ पेपर्स के लिए इन्होंने फिर काम किया दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट द साकी द राइटर नाउ वी हैव द इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी दैट इज़ इन द स्पिंग बॉक्स Suppose you meet a stranger who tells you that he was he has visited your town for the first time, he further tells you that he has lost his wallet and has forgotten the name of the hotel in which he was uh, staying. Would you believe his story and sympathize with him? However, it's only in the end. Achha, yahan ही सेंक आप सपोज़ करो एक स्ट्रेंजर से मिलते हो जो आपको बोलता है कि आपके शहर में पहली बार आया है और उसका वॉलेट खो चुका है और वो अपने होटल का नाम भी भूल चुका है क्या आप उस पर भरोसा करोगे और क्या आप उसके साथ हमदर्दी करोगे हाँ और लास्ट में इस कहानी में पता चलता है या लास्ट में फिर आपको पता चले कि हकीकत क्या है सिफ्ट ग्रेन फ्रॉम द शेफ़ यानी कि चावल का दाना उसके कवर से निकालना यानी असली हकीकत सामने आना रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द फैक्ट्स तो पहला जो कैरेक्टर है वो है नॉर्मल गॉड्स भी एंड ही इज़ सिटिंग इन अ पार्क सेट ऑन अ बेंच इन द पार्क एट अराउंड थर्टी मिनट्स पास सिक्स ऑन एन अर्ली मार्च तो गॉड्स भी बैठा है पार्क में साढ़े छः बजे हुए हैं क्योंकि थर्टी मिनट्स पास सिक्स बोल रहे हैं अगर थर्टी मिनट्स टू सिक्स बोलता तो साढ़े पाँच होता तो ये साढ़े छः का टाइम है और मार्च के पहले दिन है अर्ली मार्च यानी पहले दिन मार्च का स्टार्ट इवनिंग का टाइम है डस्क है डस्क का मतलब होता है ना शाम ना पूरी रात और ना ही पूरा सवेरा यानी कि थोड़ा सा जस्ट सेकेंड डस्क का मतलब होता है शाम का टाइम जब ना तो पूरी रोशनी हो और ना ही पूरा अंधेरा हो सीन उसी में सेट किया गया है शाम का टाइम है क्या हो रहा है पूरे जो है देर वॉज ए वाइड एम्टीनेस ओवर रोड लोग नहीं चल रहे बहुत कम एम्पटीनेस खाली खाली सा लग रहा है बहुत कम लोग चल रहे हैं एंड साइड वॉक खाली जो साइड वॉक जगह होती है चलने के लिए वो खाली है एंड येट देर आर मैनी फिगर्स मूविंग साइलेंटली थ्रू द हाफ लाइट कुछ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं वो साइलेंटली uh, खामोशी में चले जा रहे हैं इस हाफ लाइट में और डॉट ऑप्ट्रसिवली ऑन बेंच एंड चेयर वो बैठे हैं ऑप्ट्रोसिवली um, होता है नॉट अट्रैक्टिंग अटेंशन अटेंशन ये नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि uh, शाम का टाइम है और लाइट पूरी तरह से चेयर्स पे और बेंच पे नहीं पड़ रही है तो इसीलिए क्या है स्कीयली टू बी डिस्टिंग फ्रॉम द शेडोट ग्लूम तो शाम का टाइम है ग्लूमी ग्लूमी है दुखी दुखी सा लग रहा है समा इन विच दे सैड और इसी माहौल में ये लोग बैठे हुए हैं दस इन प्लीस्ड गॉड्स बी एंड हारमोनाइज्ड विद हिज प्रजेंट मूड इसको ये जो, जो समा है ये गॉड्स बी को पसंद आया क्योंकि ये इसकी मूड के मुताबिक था दस्क टू हिज माइंड वॉज द आवर ऑफ़ द डिफिटेड इसको लगता था डस्क का टाइम उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में हार चुके हों मैन एंड वुमेन हु हैड फॉट एंड लॉस्ट हु हिट देयर फॉल फॉर्च्यून्स वो लोग जो हार जिन्होंने लड़ा और हार चुके हैं और जो छुपाने छुपाना चाहते हैं अपने फॉर्म फॉर्चून्स को यानी कि अपनी फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं वो आए हुए हैं वहाँ पे ओके एंड डेड होप्स एज़ फार एज पॉसिबल फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द क्यूरियस वो नहीं चाहते हैं कि उनका ये जो है मरी हुई उम्मीदें और उनका जो ये दुख दर्द है ये किसी की सिक्योरिटी में आ जाए यानी कि कोई लोग इसको जान पाए कि हमको ऐसा प्रॉब्लम है कुछ वो लोग वहाँ पे आए हैं केम फोर्थ इन दिस आवर ऑफ़ ग्लोमिंग ग्लोमिंग होता है सनसेट टाइम इसलिए सनसेट टाइम में ऐसे ही लोग आए जो नहीं चाहते हैं लोग उन्हें देखे वैन देअर शाबी क्लोथ एंड बउड शोल्डर्स उन आ, उनके कपड़े बहुत साफ नहीं है और उनके जो शोल्डर्स हैं वो बव हो चुके हैं थोड़े झुके हैं खुश जब होता है इंसान तो स्ट्रेट होते हैं शोल्डर्स दुखी होता है तो डाउन हो जाते हैं और उनकी आइज भी अनहैपी थी माइट पास अनोटस्ड और एट एनी रेट अनरेकग्नाइज वो इसीलिए आए थे उस टाइम के वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई रिकग्नाइज़ करे उनको कोई पहचान ले अ किंग दैट इज़ कॉन्कर्ड मस्ट सी स्ट्रेंज लुक्स एक हारा हुआ बादशाह दैट इज़ कॉन्कर्ड जिस पर जीत हासिल हुई हो Uh, वो क्या देखता है स्ट्रेंज लुक्स देखता है अजीब चेहरे देखता है सो बिटर इज़ अ सो बिटर थिंग इज़ द हार्ट ऑफ द मैन इस आदमी का इस बादशाह का फिर जो दिल है वो कड़वाहट से भर गया होता है द वडरर्स इन द डस्क डिड नॉट चूज टू हैव स्ट्रेंज लुक्स फास्ट लॉन्म अब जो वहाँ पे ये वॉन्डरस लोग आए हैं जो ये दुखी लोग आए हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो क्यूरियस लोग हैं या फिर जो ये स्ट्रेंज लुक्स वाले लोग हैं ये इनकी उनकी नज़रें इन पे गढ़ी रहे इसीलिए ये देयर फॉर दे केम आउट इन बैड इन दिस बैड फैशन इसीलिए ये बैड फैशन में आए बैड फैशन इसलिए कहा गया क्योंकि बैट भी शाम को ही निकलते हैं बियॉन्ड द शेल्टरिंग स्क्रीन ऑफ बुशज एंड पॉलिंग्स केम अ रैम ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स अच्छा अब इस पार्क के उस पार भी दूसरी दुनिया थी हा? इस इन बुशज के उस पार इन फैंसिस इस पार्क के फैंसेज जो थे उसके उस पार भी एक किंगडम थी रियल मीन्स किंगडम किंगडम थी कैसी किंगडम ब्राइट लाइट्स की किंगडम जहाँ ब्राइट लाइट्स थी ट्रैफिक था नॉइज थी वो क्या दिखा रहे थे वो चीज़ें ये ब्राइट लाइट्स वगैरह ये दिखा रहे थे मार्किंग द हॉन्ट्स ऑफ दोज अदर पीपल हु हेल्ड द स्टेयरिंग ऑफ ये उन चीज़ों को दिखा रहे थे हॉन्ट होता है अजल में कहीं जगह पे आना बार बार आना भूत बन के आना तंग करना तो ये वो चीज़ दिखा रहे थे उन लोगों का दिखा रहे थे जो लोग जो लोगों को जिन लोगों को अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल है स्टीयरिंग ऑफ लाइफ पूरी पूरा कंट्रोल है उनकी लाइफ को उनका उनकी लाइफ पर ठीक है ओके इन इन देयर ओन हैंड्स हाँ स्टीयरिंग इन देर ओन हैंड्स एंड डिड नॉट गिव इजीली वो आसानी से नहीं मानने वालों में से थे वही लोग थे वहाँ पे और जो पार्क में आए थे वो हारे हुए लोग थे सो गॉट्स बीज इमेजिनेशन पिक्चर थिंग्स एज ही सैट ऑन हिज बेंच इन द ऑलमोस्ट डेजर्टेड वॉक अच्छा अब वहाँ पे कोई चल नहीं रहा था ऑलमोस्ट डेजर्टेड यानी ऑलमोस्ट मीन लगभग खाली ही था वो पार्क गॉड्स hmm, बी का जो इमेजिनेशन है इसके दिमाग में अलग अलग तरह की पिक्चर्स बन रही है ठीक है ही वॉज इन अ मूड टू काउंट हिमसेल्फ अमंग द डिफीटेड ही वो क्या था वो इस मूड में था कि उसको काउंट किया जाए उन लोगों में जो हार चुके हैं मनी ट्रेवल्स डि नॉट प्रेस प्रेस ऑन हिम मनी का इसको प्रॉब्लम नहीं था गॉड स्पी कोड ही सो विश्ड ही कुड हैव स्ट्रॉल्ड इन टू द थरोफेयर्स अगर इस इसको मनी का प्रॉब्लम होता तो ये पार्क में नहीं होता तो फिर ये कहाँ होता ये वहाँ होता जहाँ पर वो लाइट्स वो शोर वो ट्रैफिक था वो वहाँ पर होता